और हम बनाने जा रहे हैं फिश एंड प्रॉन कढ़ाई, फिश एंड श्रिम कढ़ाई। और आप बनाती हैं खाना घर पे? हाँ, कभी कभी। यू डोंट ईट, सो तुम्हारे लिए मसला ही नहीं। लेकिन मैं बनाता हूँ, मुझे बनाना आता है खाना। यस, ओके ओके, व्हाट यू मेक? आई कैन क्विक। ये कढ़ाई, जबरदस्त आसान काम है कढ़ाई बनाना। हाँ, दुनिया का सबसे आसान काम है। कढ़ाई बना लेता हूँ, भुजिया बना लेता हूँ। ओह, देयर यू गो, भुजिया, अंडे बना लेता हूँ, दो तीन किस्म के। हाँ, दो तीन किस्म के। प्रणांस रियली गुड एट ब्रेकफास्ट। मैं ऑमलेट बनाता हूँ बस, कभी ट्राई नहीं की, लेकिन अच्छा चाहूँ तो बना सकता हूँ। हाँ, sure. जो पता मेरी ताईजान थी ना, नहीं है बस साहिब भाई, पता मेरी ताईजान थी ना, वो कहती थी अगर उनके पास कोई नया कुक या शेफ जो भी आता था ना, वो कहती थी ऑमलेट बना के दिखाओ। सीरियसली? हाँ, ऑलवेज। एंड आई यूज्ड टू आस्क हर लाइक व्हाई, जो सबसे अच्छा ऑमलेट बना सकता है वो खाना बना सकता है। ऑमलेट अच्छा बनाता हूं बस, ठीक है। आई कैन डेफिनेटली कुक। आप तो अच्छा कुक करती हैं, ओ अलीना तो बहुत अच्छा कुक करती हैं। क्या आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं, क्या क्या लगता है? सब कुछ। हाँ, आई थिंक मैं, हाँ, जो भी बनाओ अच्छा बनता है। जो भी आदमी रात को 2 बजे बिरयानी खा सकता है। Exactly. तो फिर अच्छी बनती होगी। तो यकीनन अच्छा बनता होगा। I'm sure. Definitely अच्छा। क्योंकि ये लॉर्ड्स हैं, शुरू-शुरू में बिरयानी पुलाव आता था। कुछ नहीं होता, एक हैक है इसका, थोड़ा सा आप इसके अंदर अगर सॉल्ट डाल दोगे ना तो ये छींटे नहीं आएंगे आपको। दैट्स अबाउट इट। ये हैक है। अच्छा जी, तो हम एंड आई एम गोना मेक श्योर कि ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाए। इट्स नॉट द चीटास, आई एम, आई हैव एन एलर्जी विद अनियन। विद अनियन? ओह, ओके ओके ओके। आई कांट स्टैंड अप कोविड। आफ्टर कोविड? या You went through COVID, like ho gaya tha? When I was expecting, right after we finished our show. Oh my God! Yes. Oh my God! Yaar. और मैंने voluntarily COVID लिया था. Fazan was with me, yeah. वो obviously यार, वो तो मतलब जाहिर है. मुझे सबने कहा निकल जाओ कमरे से बाहर. मैंने कहा भाई, this is the time. जब अलीना की तबीयत खराब थी, मैं फजान को फोन करके. Yeah. I remember. आपको तब हुआ था. तुम बताओ, आगे पीछे चल रहा था ना. Yeah. This is really bad. तो I'm sure अल्हम्दुलिल्लाह you're okay, right? Yeah. बस थोड़ी सी smell आगे पीछे हो गई है. कुछ चीजें ज्यादा लगती हैं। हमने मुझे ऐसी चीजों में से अनियन निकाल के दिखाई है। I kid you not. कोई चिप्स खाया रैंडम। मैंने कहा इसमें अनियन कैसे? And Fazan was like, I had enough. No, there's no onion in it. पढ़े? मैंने घूमा बाकी इंग्रेडिएंट्स में, पढ़ा कहीं दूर उसमें अनियन पाउडर गया। ओके। अच्छा जी, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा, मैंने हमेशा आपसे एक बात कही है, मैं प्याज को बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा, बिकॉज वो कड़वाहट जो होती है वो शामिल हो जाती है। एंड आई एम सेइंग द कुक्स वुड नो मैन। आप तो बनाते हैं ज्यादा ब्राउन? हाँ, ज्यादा ब्राउन कभी नहीं होती। मैं थोड़े से इसमें एक्स्ट्रा टोमेटोज डाल रहा हूँ, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट कुकिंग फिश एंड प्रॉन्स, थोड़ा सा अगर आप उसमें करते हैं तो स्मेल जो है वो चली जाती है, प्लस इसका जो पेस्ट बनेगा वो बहुत अच्छा बनता है। ऐसे हमने पहला शो देखा जिसको होस्ट खुद खाना बना के। हाँ हाँ हाँ, और आप खाओगे भी इसको? बिल्कुल खाऊंगा। तो सलमान खाने को मना नहीं कर रहा। खाना भी पड़ेगा। नहीं, सलमान तो मना नहीं कर रहा। फिश मेरी फेवरेट चीज है। क्या फिश? बहुत लाइक। ओह, देयर यू गो। लेकिन मैं बनाती नहीं हूं फिश। आप अक्सर बनाती हैं? नहीं बनाती। नहीं, फिश मुझे पसंद नहीं। अच्छा, मुझे पसंद नहीं है, मैं इसलिए नहीं बनाती। शौहर को पसंद है, उसकी खैर है। हां सी, है ना? मैं कहती हूं बाहर जाके खा लें फिश, घर में स्मेल बर्दाश्त नहीं करूंगी फिश की। रियली? तो परफ्यूम लगा दिया करें आप उसको। फिश को ऐसी जगह फिश खिलाने लेके गया हूं कि जिंदगी में नहीं खाएगी। कहां पे की मारी यार? के If she doesn't like fish, एक आपको फिश पसंद ना हो, ऊपर से आपको जगह। I know, लेकिन वो experience है। मेरा तो एक ही ठिकाना है, and that's Awari. फुजियामा। फुजियामा के अलावा कोई ठिकाना नहीं है मेरा। आई डोंट मतलब, लेकिन मैं आपको, मैं आई कैन अंडरस्टैंड के उफ। अच्छा, मेरे लिए खाना इंपॉर्टेंट है और जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ बैठ के आप खाना खा रहे हो। हाँ, वो जरूरी है, अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, मैं घर मंगवा लो। मैं चूंकि थोड़े से स्पाइसेस ज्यादा खाता हूँ, आई होप आप सेम 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 ज्यादा। ओके, सो वी आर ओके, वी आर ओके विद दैट। अच्छा, अब इसके अंदर, इससे पहले कि मैं कोई और चीज़ डालूँ, आई एम गोना मेक श्योर आई एड प्रॉन्स टू इट। इसको थोड़ा सा फ्राई होना बहुत जरूरी है, प्रॉन्स का। ओके अच्छा, उसके दो रीजंस हैं।
पहला रीज़न ये होता है कि स्मेल, अगेन बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ, स्मेल वेरी इंपॉर्टेंट. सी फूड ज़रूर है लेकिन सी फूड की अगर स्मेल बहुत ज़्यादा है तो वो फिर बेसिकली वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. तो थोड़ा सा हम इसको फ्राई कर लेंगे, दो मिनट भी बहुत ज़्यादा है, डेढ़ मिनट तक आप इसको फ्राई करेंगे. बहुत जल्दी कुक हो जाता है, फिश भी बहुत जल्दी कुक होती है, प्रॉन्स भी बहुत जल्दी कुक होते हैं. इसका मुझे टॉप शॉट दिखाइएगा. Does it look okay? Yeah, it looks okay. Yeah. Very good. It looks okay. It looks all right. I think ठीक ही बनेगा. अच्छा, जैसे ही मज़ीद 30 सेकंड्स और गुजरेंगे मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें जो हैं वो ऐड करना शुरू करूँगा. हम योगर्ट बिल्कुल सबसे एंड में डालेंगे बिफोर पुटिंग द फिश इनटू इट. एंड विद इन 15 मिनट्स ये जो कढ़ाई है ये तैयार हो जाएगी. इससे ज़्यादा देर नहीं लगती है. मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि खाना अगर जल्दी तो देर लगती है खाना बनने में. मैं एक बात बताऊं, मैं जब से यहाँ पे खड़ी हूँ जितना इन्होंने इसका आधा भी नहीं पहनती बहुत आप कब से मैं कह रही हूँ आपके हाथों की एक्सरसाइज ही हो रही है. वाओ, लाइक इतना मैं वो मुझे हो रहा है कि इतना स्मूथ. नहीं मतलब स्मूथ नहीं, मतलब पका रहे हैं तो ढंग से पका ले. मुझे राजकोट को कुकिंग करता हूँ. मेरा बहुत पीस है ये. What is your go-to? What do you make? Like, what do you love making and eating? यार, थाई करी चिकन. Yesterday we made and it was really good. तो मुझे ऐसा लगता है थाई करी चिकन जो है वो मेरा बहुत फेवरेट है. मुझे बहुत अच्छा लगता है. उसके अंदर जो लेमन ग्रास का फ्लेवर है ना वो बड़ा कमाल लगता है मुझे. सो आई मेक डीसेंट फूड. आई थिंक बुरा नहीं बनाता. इट लुक्स लाइक या आपको आदत यूएस से पड़ी है शुरू से थी? ऑनेस्टली खाने पकाने का शौक हमेशा से था. पकाना मैंने शो पे शुरू किया. Okay. Yeah, about a few months back. Genuinely, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने पकाया नहीं है, पकाया है. शौक मुझे अब हुआ है. For some odd reason, शौक अब हुआ है. अच्छा जी, अब इसके अंदर I'm adding flakes to it. Please understand कि ये मैं अपने मिजाज के मुताबिक और अपनी हस्बैंड जायका, आप अपना हस्बैंड जायका जरूर डाल दीजिएगा. Red chilies. I'm very very sure कि आप चाहेंगे के वुड यू नो के इन अबाउट 10 मिनट्स इट विल बी डन. ये आई थिंक ये जल्दी भी हो जाता है. बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी होता है, जल्दी बन जाता है, बहुत जल्दी होता है. अच्छा, ये याद रखिएगा, दही जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से फेंट लें या बीट कर लें ताकि उसके जो चंक्स हैं, लम्स जो हैं वो ना बने. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर लम्स हो तो क्या होता है? जस्ट जनरली आस्क. नहीं कुछ नहीं, आप उसको खत्म कर देते हैं. हाँ, वो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. हाँ, ज़्यादा और कोई बात नहीं, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. अच्छा, इसको हमेशा याद रखिएगा, वेदर इट्स कढ़ाई और एनीथिंग एल्स, लो फ्लेम पे पकाएं, सिमर पे पकाएं. जब आप सिमर पे पकाते हैं तो उसका सारा फ्लेवर जो होता है वो उसके अंदर दाखिल हो जाता है. अगर आप बहुत ज़्यादा, अच्छा जब आप इसको बना रहे हैं तो दो तरह से बना सकते हैं. आप इसको जितना चलाएंगे उतनी ज़्यादा फिश है वो टूट जाएगी. अगर आप चाहते हैं कि फिश अपनी शक्ल कायम रखे तो कम कम चलाएं. ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया. कढ़ाई के अंदर विच इज़ नॉट पॉसिबल. कढ़ाई जब आप बनाते हैं तो फिश टूट ही जाती है नॉर्मली. अदरवाइज आप इसको हाफ बॉयल कर लें. हाफ बॉयल करने के बाद फिर आप इसको रख सकते हैं. लेकिन हाफ बॉयल अगर आप करते हैं तो कट के साथ बॉयल करें. जब कट के साथ फिर इसको कट लगा दें, कट के साथ बॉयल करेंगे तो जो फ्लेवर है, जो मसाले जो होंगे वो इसके अंदर शामिल हो जाएंगे. जब आप इसको शामिल करना चाहेंगे इसके अंदर डालेंगे तो हल्दी नहीं डालती? नहीं, मैं नहीं डालता. अच्छा, आई डोंट हल्दी और गर्म मसाला. आई डोंट यूज हल्दी और गर्म मसाले इन एनीथिंग. व्हाई? आई जस्ट डोंट लाइक इट. ओके, आई एब्सोल्युटली डोंट लाइक इट. मुझे लगता है कि हल्दी और गर्म मसाला जो है वो उसके बगैर भी खाना बन जाता है और बहुत बहुत अच्छा बनता है. अच्छा, आप देख रहे हैं मैं इसको चला नहीं रहा हूँ, चला बिल्कुल नहीं रहा हूँ. इसको हम थोड़ी सी स्टीम करेंगे, यानी इसका जो लिड है वो मैं उसको ढक दूंगा और इसको सिमर पे मैं दे दूंगा और उसके बाद इसको हम चलाना शुरू करेंगे. और जब आप चलाएंगे तो याद रखिएगा इसके अंदर आपने पानी ऐड नहीं करना है. Here we go. आप लोग चल के बैठे, मैं इसको क्लीन करूँगा. थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया. अभी 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 याद नहीं, मैं इसको कह रहा हूँ कब बना के. सीख लिया, सीख लिया. और जी जैसे मैंने आपको पहले कहा, किचन को आपने क्लीन रखना है. किचन को यू हैव टू, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे. आपने किचन को बिल्कुल क्लीन रखना है. इसको मैंने साफ कर दिया, यहाँ से हटा दिया है, देयर इज नथिंग देयर. और उसके बाद
मैंने अपने हाथ जो हैं वो धोने शुरू किए हैं। मैं अपने हाथ धो लूँ, इसके बाद इसको हम क्लीन कर देंगे। थोड़ा सा प्लीज़ अंडरस्टैंड करें कि आपका किचन जो है उसका काउंटर जो है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। Let's see how it's going to be. It smells so good, so I'm sure ke ye. I don't know if it smells good or not. I have no idea, but I think chali jayega, ban to gaya hai. Ye shirmal hai ya paratha? I think paratha. Paratha. Paratha hai, paratha. Paratha hai. Paratha hai. And let's see. Let me just serve it. And let's see how it's going to be. Jab fish aur prawn kadai ek saath. Ha, ek saath. कौन लड़वा दिया अलग 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 कौन बनाएगा? I know you don't eat so. Thank you. But मुझे वो उसकी लुक बहुत अच्छी लग रही है। I hope so, man. I have no idea. I'm just hoping that it's good. अब मुझे ये नहीं मालूम है कि आप लोगों को कैसी लगेगी। Definitely अच्छी लगेगी। You wanna give it a try? I can, but I need a fork. Fork दे दे। मैं अभी अभी एक अच्छा fork या spoon दे दे। Fork या spoon. Go ahead. हो नहीं सकता है लेकिन ये चले 7 बजे से पहले मतलब शाम को 7 बजे से ऐप चल रही है वो बता रही है आपके इतनी देर का रोजा हो गया और अभी वो टूट गया दोनों का रोजा टूट गया वेरी गुड ओके okay. मसाले भी नहीं इसमें नहीं मसाले तो नहीं चलो कभी आई विल ट्राई के ऐसा बना लूं आपके लिए नहीं नहीं प्लीज ऐसा खाना बनाते रहिए और जब बनाते रहिए तो बुलाते रहिए और खिलाते रहिए रियली दिस इज आवर काइंड ऑफ स्पाइसी या अच्छा वी लव स्पाइसी फूड यस अच्छा मुझे भी स्पाइसी ज्यादा पसंद है बहुत ज्यादा पसंद है मुझे स्पाइसी तुम लोग देख रहे हो ना अल्लाह मालिक है कैसा भी बने खा लेना आप तुम नहीं नहीं वाकई बहुत अच्छा बना इतनी मेहनत के बाद अगर किसी ने कहा अच्छा नहीं बना नहीं वाकई बहुत इस बात के बाद तो बनता भी नहीं है बोल वाकई बहुत अच्छा बना वाकई ये मैं देख रहा हूँ कि सलमान पराठे से कैसे मैनेज कर रहा है मछली को क्यों ये कैसे क्यों व्हाई पराठे के साथ मछली ऑफ कोर्स मतलब क्या हो गया नान के साथ मछली हो सकती है पराठे के साथ हो सकती है शीरमाल के साथ हो सकती है शीरमाल के साथ थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है बट हाँ मतलब ये को हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है रूल नहीं है व्हाटएवर यू लाइक आई एम आपको यम सलमान वैसे खाने के मामले आसान है कुछ नहीं कहते रियली जो मर्जी बना दो मैं ऑपोजिट हूं कभी कभी कच्चा होता पता ही नहीं चलता मुझे नहीं नहीं हुआ सलमान बहुत अच्छी बात नहीं है जो तुमने बोली है ये जो फ्लो में आप बोल गए हैं कभी नहीं हुआ ये बंदा कैसे ओवरऑल बताया मैंने इस खाली होगी रिपीट टेलीकास्ट तुम्हें हॉन्ट करेगी तुम्हें हॉन्ट करे ना करे मुझे जरूर मैं इसका देख रहा था ना कभी कच्चा तो मुझे पता नहीं चलता पता नहीं चलता ना अब ये मैं समझी कहीं कच्चा है मैं मछली तो बनी है बिल्कुल मछली बनी कच्ची होगी अच्छा सो एनीवे वो लोग जो आप लोग को देख रहे हैं अब चलो सबसे पहले तो थैंक यू गाइस फॉर कमिंग बहुत बहुत शुक्रिया उनसे क्या कहना उनसे क्या कहना चाहेंगे क्या ऐसी जिनकी शादियां होने वाली है उन्हें क्या टिप देंगे आप मैं ये टिप दूंगी कि सबसे पहले तो ये मत सोचिए कि अच्छा जी शादी करें तो ओ माय गॉड लाइफ इज़ गोइंग टू बी समथिंग अमेजिंग या समथिंग वेरी सैड उससे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना करें क्योंकि जो आप करेंगे वही आगे आएगा तो अच्छा अच्छा सोचें अच्छा अच्छा करें एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा किसी के साथ नहीं लगानी चाहिए कि अच्छा जी मैं शादी करते ही बिल्कुल ही 360 डिग्री में ज़िंदगी में चेंज आ जाएगा नहीं क्योंकि जब वो नहीं होता है तो बहुत अफसोस होता है तो बेहतर है कि अच्छा सोचें अच्छा ही होगा आगे पर ज्यादा एक्सपेक्टेशंस किसी के फिर एक ही बंदा करता है एक्सपेक्टेशन एक बंदे से नहीं होती तो दोनों को करते रहना चाहिए अच्छा काम अच्छी चीज है यू सर ताली दो हाथ से बजती है जी जैसे कि आपने देखा श्रिंप और फिश एक साथ थे बेटा ये मुझे कुछ ना कुछ और लग रहा है कोई बात नहीं तो जो हो गया वो जनरली बता रहा हूं कि ठीक है जी शादी को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं ऐसा कुछ नहीं होता आप अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं अच्छे दोस्त बन के रहिए ट्राई टू फाइंड योर बेस्ट फ्रेंड इन योर पार्टनर दैट्स द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट सिंपल यू सर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे को समझें और एक दूसरे को मजे मजे के खाने बना के खिलाएं एक लड़के का फोकस सिर्फ खाने पे चला गया और रोहिणी सिर्फ बीवी बना के खिलाए मर्द को ही बनाना चाहिए ओह यस ये और ये अगेन कौन कह रहा है मैं ये सोच रहा हूं मैं इस तरफ आ रहा हूं कि मैं नहीं वैसे इसमें कोई बुराई नहीं रुक रहा नहीं कोई भी नहीं है आराम से बना सकते हैं और एक दूसरे की आप नहीं है फैमिली की भी बहुत रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की फैमिलीज की बहुत रिस्पेक्ट करें हां फैमिलीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए बिल्कुल करनी चाहिए यस मैम आई थिंक शादी के 3 साल पहले
अपना 100% दे, इस तरह नहीं कि कॉम्प्रोमाइज करें, बर्दाश्त करें। नहीं नहीं, शादी के शुरू के 3 साल तो उसके बाद ना दें। नहीं, वो जब आप 100% दे देते फिर आप एक ट्रैक पे आ जाते हैं। ओके, सेम ट्रैक हो जाता है। दूसरे को समझने में भी टाइम लगता है, टाइम लगता है। एटलीस्ट मैंने जो नोटिस किया है 3 साल लगता है, 3 साल के बाद आप एक पेज पे आना शुरू होता है। टाइम दें, वो आजकल बड़ी जज्बाती में लोग। हाँ, और पेशेंस दिखाएं प्लीज। ये जो छोटी छोटी चीजें हो रही हैं, सुबह उठा नहीं जाता, ये काम नहीं हो रहा है, लेट आ रहा है, इन चीजों पे डिवोर्स नहीं बनती। किसी तीसरे बंदे को बिल्कुल भी नेवर, कभी नहीं, कोई भी मशवरे बहुत लोग देते हैं। और दोस्तों को तो बिल्कुल नहीं, दोस्तों को तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो देखो, तुम लोग जिंदगी गुजार रहे हो ना, अच्छा, और फिर कमिंग फ्रॉम यू नो प्रोफेशनल एस्पेक्ट, आप लोग खुद भी मसरूफ रहते हो, आप लोगों को तो टाइम निकाल के देना पड़ता है एक दूसरे को, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम अभी मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी थी जो सलमान ने कही थी, ये कहने लगे कि जी जोड़ के आता हूँ, जब मैं घर आता हूँ तो फिर मेरा टाइम मेरे बीवी के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरी बेटी के लिए होता है। हम घर, अच्छा हदीस में भी ये है कि जब आप जाया करते थे तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हुआ करती थी। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कि जब आप अपने घर को टाइम देंगे तो उसका कहीं ना कहीं आपको वो रेसिप्रोकेट जरूर करती है, कहीं ना कहीं वो जरूर करती है। गाइज, थैंक यू वेरी मच।